बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं गिल पसंद टीवी और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद हुसैन गिल। और आज हम लाहौर के कॉलेजों के शहर लाहौर में मौजूद हैं। यहां पे बहुत बड़ा नामवर अदारा जो कि यहां के लोगों को बहुत नॉलेज फराम कर रहा है, बहुत इलम फराम कर रहा है। और आज हमें यहां पर मौका मिला है कि इनकी मोहब्बत और काविज़ से यहां पर हम मौजूद हैं। और आज हमारे पास मौजूद हैं प्रिंसिपल हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो कि जिसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, फैसलाबाद से। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम अरशद इकबाल है जी। हमारा इदारा है प्रीमियर इंस्टीट्यूट और ये जिसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से 2016 से हम लोग एफिलिएट हैं। हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड DPT, HND और साइकोलॉजी अप्लाइड क्लिनिकल साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं। कंप्यूटर साइंस में BS और मास्टर लेवल के कोर्सेज हैं। मैनेजमेंट साइंस में भी BS और मास्टर लेवल के कोर्सेज हैं। 2016 से ये एक बैकवर्ड एरिया है चुंगी अमर सदु, जहाँ पे हमें काम करने का शरफ हासिल हुआ है। इस इलाके के ही मोस्टली हमारे पास स्टूडेंट्स हैं और यहाँ क्योंकि पेइंग कैपेसिटी लो है तो एक लो फी पेइंग कैपेसिटी लोगों के लिए हम लोगों ने ये इदारा यहाँ बनाया और सक्सेसफुली ये 3 साल हमारे कम्प्लीट हैं। चौथा सेशन जो है आगाज़ हो रहा है और हम खुशकिस्मत हैं कि फैकल्टी जो आज तक मिली है वो बड़ी कोऑपरेटिव रही, जो स्टूडेंट्स मिले वो बड़े कंड्यूसिव इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले मिले और आज तक का एक सक्सेसफुल जर्नी जारी है। बहुत शुक्रिया सर। आज यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद अहमद भट्टी साहब का जो DPT के ऊपर लेक्चर था और बहुत अच्छा लेक्चर, मैंने भी वो अटेंड किया। तो मज़ीद यहाँ पर आप इस हवाले से इनके नॉलेज के लिए कोई मज़ीद लेक्चर अरेंज करेंगे नेक्स्ट टाइम? जी, डॉक्टर अहमद भट्टी साहब हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। एक पुराने MBBS डॉक्टर्स के ट्रेनर हैं, होम्योपैथिक के ट्रेनर हैं, जो हमारा वो तिब है उसके ये ख़ास तौर पे ट्रेनर हैं। तो ट्रेनिंग के हवाले से 2008 से मैं इनको जानता हूँ और इन्होंने अपनी सर्विस छोड़कर जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस होती है ये ट्रेनिंग के पेशे को अडॉप्ट किया है। तो ये एक मिशन की तरह काम कर रहे हैं। हमें पता है कि आज के जो डॉक्टर्स हैं वो क्लिनिकली कमाई को प्रेफरेंस देते हैं। तो अहमद भट्टी साहब जो है इन्होंने अपनी लाइफ वक्फ की है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर और हमारे इदारे को भी आज इसका मौका मिला है। इन्होंने पेन मैनेजमेंट के ऊपर एक लेक्चर सेमिनार की सूरत में डिलीवर किया है। बच्चों के फीडबैक से और हमारी फैकल्टी के फीडबैक से एक आउटस्टैंडिंग एक आज का दिन है हमारे इदारे में कि DPT के स्टूडेंट को जो पेन मैनेजमेंट है आज सही मानों में उसकी फार्मास्यूटिकल एंगल, उसका मैनेजमेंट एंगल, उसका क्लिनिकल एंगल समझ आया है। और हम भी बहुत खुश हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकली कुछ कर सकेंगे इस फील्ड में जब डॉक्टर अहमद भट्टी साहब का सेमिनार कंक्लूड होता है। और मैं इसके साथ ही सेमिनार के हवाले से अपनी जो HOD हैं डॉक्टर नादिया, मैं उनका भी ख़ास तौर पर मशकूर हूँ। ये एक डेडिकेटेड वर्कर है हमारे इदारे के लिए और जो हमारे DPT के इस वक्त 3 सेशन चल रहे हैं, सेमेस्टर 2 में बच्चे पढ़ रहे हैं, 4 में पढ़ रहे हैं और 6 में पढ़ रहे हैं, इनके HOD डॉक्टर नादिया हैं। तो हमारा जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो इत्तफाक हॉस्पिटल है तो बच्चे वहाँ पे जाके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं और आज यहाँ पे प्रैक्टिकली पेन मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो सेमिनार कंडक्ट करवाया गया। सर थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, कुछ लोगों के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि ये DPT कितने ईयर का है, तो इस हवाले से कौन कौन लोग इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं? ये DPT जो है ये जो हमारे ट्रेनर हैं डॉक्टर अहमद भट्टी साहब वो भी आज बता रहे थे कि ये पाकिस्तान में मेडिकल की लाइन में 3री बड़ी डिग्री बन चुका है। MBBS है, डेंटिस्ट्री है और उसके बाद ये जो है DPT ये 3रा बड़ा फील्ड है। तो ये एक अच्छा फील्ड आज से कोई जब से 10-15 साल पहले स्टार्ट हुआ लेकिन फॉर दी लास्ट 5 ईयर्स इसकी इम्पोर्टेंस में बेबहा इजाफा हुआ। डॉक्टर्स का कहना है कि पहले ये सिर्फ रेफरेंस के साथ आते थे लोग कि ऑर्थोपेडिक या कोई और डॉक्टर रेफ़र करता था, आज बाकायदा इसकी नीड है और लोगों में भी इसकी अवेयरनेस है कि अगर कोई मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और एक क्लिनिकली भी ये कोर्स इमर्ज हो रहा है। और हम इसको बल्कि स्टूडेंट्स को वेलकम भी करते हैं कि अगर आपका किसी वजह से MBBS और डेंटिस्ट्री में ना आए मेरिट तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये एक 3रा बहुत बड़ा फील्ड अवेलेबल है और इकॉनमी वाइज भी ये उन दोनों फील्ड की नस्बत बहुत सस्ता है। और हमारे इदारे में नहीं, दूसरे इदारों में भी MBBS और इसकी फ़ीस में बहुत फ़र्क है और आसानी से पढ़ा जा सकता है। सर आपके इंस्टीट्यूट में क्या कुछ स्कॉलरशिप पे भी स्टूडेंट हैं इस हवाले से?
थोड़ा सा जी सी यू फैसलाबाद से, क्योंकि हम लोग एफिलिएट हैं तो उसका एक क्राइटेरिया है कि हमारे पास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में मिनिमम 10% हम लोग वेटेज देते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को। दो तरह की स्कॉलरशिप्स होती है, एक वो बच्चे जो इंटरमीडिएट में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं 80% प्लस वाले, और दूसरे वो स्टूडेंट जिनके जो या तो ऑर्फन्स हों या वो नीड बेस्ड हों, तो उनका एक क्राइटेरिया है जी सी फैसलाबाद का, उसको मीट करते हुए इस इदारे के काफ़ी डिज़र्विंग लोगों को भी DPT और इस तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज में आने का मौका मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद इकबाल साहब, इंस्टीट्यूट प्रीमियर इंस्टीट्यूट और इनके प्रिंसिपल हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नादिया बशीर नाम है मेरा, मैं एज अ हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट इधर काम कर रही हूँ। कब से आप यूनिवर्सिटी में? हम लोग यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट स्टार्ट हुए 3 ईयर्स हो चुके हैं, तो मैं 3 ईयर्स से ही इनके साथ काम कर रही हूँ। तो माशाल्लाह आज हमने लेक्चर भी सुना है यहाँ पे, और मैंने देखा है कि बेसिकली यहाँ पे माशाल्लाह जो फीमेल की जो है ना वो एवरेज काफ़ी है, तो इस हवाले से फीमेल तो अक्सर जो है ना वो पहले शोभा सेलेक्ट करती थी ब्यूटिशियन का और कुकिंग के हवाले से, तो माशाल्लाह अब तो मैंने बहुत देखा है कि फ़ीमेल यहाँ पे जो है ना वो यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ उन्होंने, और इस हवाले से आप बताएंगी आगे से? हाँ जी सर, ऐसा ही है। अब हमारी जो फीमेल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है मेडिकल प्रोफेशन, जिस तरह हमारे पास MBBS है, BDS है, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है। सही, तो मज़ीद यहाँ पे जो है ना स्टूडेंट जो आते हैं तो उनके लिए हॉस्टल भी यहाँ पे मौजूद है? हॉस्टल भी है, हम लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेनिंग्स चलती हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, जैसा कि आज हमारा सर के साथ बहुत अच्छा सेमिनार था। अब नेक्स्ट हम इनके साथ प्लानिंग कर रहे हैं एक वर्कशॉप की, वर्कशॉप के बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं डिफरेंट मेडिकल फ्री मेडिकल कैंप्स की, तो वो सारी चीज़ें ताकि हमारे जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया मैम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस है और मैं ह्यूमैनिटेशन डिडैक्टिक्स डिपार्टमेंट में एज HOD सर्व कर रहा हूँ यहाँ पे। मुझे दूसरा साल है यहाँ पे और मैंने जो मास्टर अपने MPhil वगैरह डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से की हुई है। जी सर, मज़ीद आपके डिपार्टमेंट मज़ीद इसके हवाले से और कोई एक्स्ट्रा कोई मज़ीद सिस्टम चल रहा है और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए और कुछ? एज़ फॉर एज़ HND तो ह्यूमैनिटेशन डिडैक्टिक्स जो है वो एक वास्ट डिसिप्लिन है, जहाँ तक क्योरमेंट की बात होती है, ट्रीटमेंट की बात होती है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिकेशन भी बेस्ड नहीं करती, ट्रीटमेंट्स के सर्टन पिलर्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स न्यूट्रिशन। आप जब किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट मैनेजमेंट करते हैं, लाइक आप मेडिकेशंस कर रहे हैं, कोई थेरेपी कर रहे हैं, तो बिसाइड दिस न्यूट्रिशन इज़ अ मेजर कंपोनेंट। अगर आप डाइट की मैनेजमेंट अच्छी करते हैं और सर्टन डिजीज़ के अगेंस्ट आप एक थेरेप्यूटिक डाइट की मॉडलिंग करते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच टू ट्रीट एंड टू क्योर एज वेल, और उसी के अगेंस्ट हमारी सारी वर्किंग है। और इसमें होलिस्टिक न्यूट्रिशन का बड़ा अप्रोचेबल वर्क हो रहा है, पहले इसमें पाकिस्तान में इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, लोकली लोग ट्रीट करते थे, तो कुछ लोकल रेमेडीज़ थी जिस पर लोग वर्क कर रहे थे, उन्हीं को अडॉप्ट करते हुए लोग सालों साल से अपनी हेल्थ के लिए काम कर रहे थे। सर्टन टाइम में देखा गया कि पिछले 2-3 डिकेज़ में एक लाइफ के एडवांसमेंट्स आई हैं, लोग इन चीज़ों से थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ों से कट ऑफ हुए हैं, हम दोबारा उसी चीज़ों पर लेके आ रहे हैं जिससे बेस्ट ट्रीटमेंट दे जा सके। सर, जिस तरह अभी हमने बातचीत की थी डॉक्टर नादिया साहबा से कि लेडीज़ जो फीमेल हैं वो भी इस शोबे में फिजियोथेरेपी में काफ़ी आ चुकी हैं, लेकिन न्यूट्रिशन में हमने देखा है तो काफ़ी लेडीज़ आ चुकी हैं, इसकी रीज़न क्या है कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है मज़ीद लोगों को इस हवाले से? और जहाँ तक अवेयरनेस की बात है तो न्यूट्रिशन सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं है, न्यूट्रिशन सभी के लिए ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन फील्ड है। जहाँ तक कंसर्निंग रेट है तो फीमेल्स जो हैं वो एग्जैक्टली उनकी जो, क्योंकि जो हमारा सेशंस होता है उसमें मोस्टली हम पेशेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, जो पेशेंट है वो नीड लव एंड केयर, उसको इमोशनली जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कंपेरेटिव टू मेल फीमेल ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट्स रखती हैं, तो
तो एज़ फॉर एज़ फीमेल्स की जो इंटेक की बात है तो ये दोनों जेंडर्स के लिए कॉमन फील्ड है जी, किसी की इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि फीमेल्स, सिर्फ ये है कि क्योंकि क्लिनिकली और इसमें हमारे जो आगे इसकी फील्ड्स के अतबार से बात की जो, तो उसमें फ़ीमेल थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ऑल दो दोनों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है, दोनों के लिए कॉमन डिग्री है मेल और फीमेल्स का। सही, तो ये फीमेल्स आ रही हैं उनके लिए प्रैक्टिकल सिस्टम है भी आपने यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है इस तरह का सिस्टम? जी बिल्कुल, जो न्यूट्रिशन है इसमें सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, आजकल होटल मैनेजमेंट की तरफ बड़ा ट्रेंड आ रहा है, उसके अलावा एडिशनली जो फीमेल्स में काउंसलिंग का हमारा एक थेरेपिक सेशन है जिसमें हम डिफरेंट जो सोसाइटीज़ कम्युनिटीज़ हैं जिसमें फ़ीमेल्स एज अ डाइट थेरेपिस्ट वर्क कर रही हैं, एज अ काउंसलर वर्क कर रही हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स उनकी ट्रेनिंग के लिए हम पीछे भी एक दो कैंप हमने ऑर्गेनाइज़ किए हैं और रिसेंट भी हम इंशाल्लाह फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेशन में कि हम कोई फ्यूचर में जो है ना एक से कोई डिफरेंट नवयत की हम इंशाल्लाह कैंप करें, कोई वर्कशॉप्स प्लेस करें ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट लर्निंग्स हो सके और वो उन चीज़ों को ओपन स्प्रेड कर सकें मार्केट। सर इस जो न्यूट्रिशन के लिए मज़ीद थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि कौन कौन लोग इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं? न्यूट्रिशन के जहाँ तक एडमिशन की बात है तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड है और सारी यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस के अंदर वो उसी क्राइटेरिया पर एडमिशन हो रहे हैं। उसके लिए आपको FSC प्री मेडिकल करनी होती है, मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपके FSC के लिए। आफ्टर डैट सम कॉलेजेस में सीट्स डिफाइन है, लेट्स से यहाँ पे अगर बात करें तो 50 सीट्स मख्तस हैं हर साल। इसी तरह जहाँ जहाँ कॉलेजेस में H&D हो रही है उनका क्राइटेरिया इसी बेस पे, तो यही इसका क्राइटेरिया, और इसमें प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं वो आ सकते हैं। सर लाहौर में यहाँ चुंगी अमर सदू के अलावा कोई और भी की ब्रांच वगैरह हैं मज़ीद? बेसिकली जो यहाँ पे H&D हो रही है ये एफिलिएटेड है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से मोर देन 20 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं अक्रॉस द पंजाब जहाँ पे H&D हो रही है। रेस्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर की बात करें, लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, मिनहाज यूनिवर्सिटी है, गुलाब देव इंस्टीट्यूट्स है, उसके अलावा फेडरेशन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इन सारों का हो रहा है। तो इलाके की नवयत के लिहाज से, डिमांड्स के लिहाज से जो जो लोकलाइज पर्सनस मूव करना उनके लिए अवेलेबिलिटी हर साइड पर लाहौर के अंदर। बिसाइड्स दिस इसके अलावा जो सिटीज़ हैं जिसमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ऑलमोस्ट डिग्री प्रोग्राम्स हो रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अवैस साहब, आपने अच्छी अच्छी बातें बताई हमें। प्रीमियर इंस्टीट्यूट जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एफिलेटेड लाहौर में जो ये अदारा है और यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये चुंगी अमर सदू में वाक़िया है। जी मेरा नाम डॉक्टर गुलरेस है और मैं एज अ लेक्चरर जो है यहाँ पर प्रीमियर इंस्टीट्यूट में सर्व कर रहा हूँ सिंस 2017 से। तो सर मज़ीद आज जो हमारा लेक्चर भी अटेंड किया हमने और इस हवाले से मज़ीद आप लेक्चर यहाँ पे अरेंज होते हैं, इसके अलावा या कोई वर्कशॉप वगैरह भी होती है? जी सबसे पहले तो मैं हायर अथॉरिटीज़ जिनमें मिस्टर अरशद इकबाल हैं और हमारे जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर नादिया, उनका मशकूर हूँ तहे दिल से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डॉक्टर अहमद भट्टी साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी जो नॉलेज के ज़खायर हैं वो हमारे साथ शेयर किए ताकि बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हों और बच्चों को तो सीखने को मिला लेकिन हम भी क्योंकि यंग हैं फील्ड में हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, क्योंकि मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो फिजियोथेरेपिस्ट को जो है सर्व करना पड़ता है इस तरह के ड्रग थेरेपी से हट के उसको मरीज़ को ट्रीट करना पड़ता है जिसमें हमारी इट इज़ बेसिकली अ ट्रीटमेंट बाई फिज़िकल मीन्स, तो उसमें हम अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो आज का जो सेशन था, जो हमारी वर्कशॉप थी, उसमें हमने बहुत सारे ये अल्टरनेटिव जो अप्रोचेज़ हैं जिससे हम मरीज़ की पेन को ठीक कर सकते हैं वो हमें सीखने को मिला है, जिसमें हमने ड्राई नीडलिंग की बात की, हमने ऑक्यूपंक्चर की बात की, हमने टेंस थेरेपी की बात की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आजकल बहुत इन है हमारे फिजिशियंस के क्लिनिक पर भी और दूसरा हमारे जो उनसे फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हैं उसमें जो हिजामा थेरेपी है, तो हिजामा थेरेपी के बारे में आज हमने काफ़ी कुछ सीखा है, बच्चों ने भी सीखा है। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ डॉक्टर अहमद भट्टी साहब का कि उन्होंने ये सारे जो उनसे अप्रोचेज़ हैं हमसे शेयर की। सही है, जो मज़ीद उन्होंने थेरेपी आज बताई है हजामा कपिंग वगैरह
और मज़ीद जो एक्यूपंक्चर वगैरह इस हवाले से भी यहाँ पे कुछ वर्कशॉप रेंज वगैरह हो रही हैं या कोई इसके हवाले से कोई इलम यहाँ पे कोई क्लासेस वगैरह हो रही हैं? नहीं जी, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि डॉक्टर अहमद भट्टी साहब से तकरीबन 1-1.5 साल से हमारी इंट्रैक्शन है, तो उनके साथ मज़ीद अब हमारे इस तरह के प्लान्स हैं कि जिस तरह आज का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो इसमें जो जो अप्रोचेस डिस्कस हुई हैं इन पर हम अलहदा से कुछ अवेयरनेस सेशंस जो हैं, अवेयरनेस सेशंस या हैंड्स ऑन जो थेरेपी के सेशंस होते हैं जिनमें बच्चों को सिखाया जाएगा बेसिकली कि हिजामा किस तरह से करना है आपने और ड्राई नीडलिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, ताकि बच्चे कल को जब फील्ड में जाएं तो जब ये जाएं फील्ड में तो ये ट्रेंड होकर जाएँ ताकि ये पेशेंट को अच्छे से डील कर सके। सर, इन थेरेपी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से एक्यूपंक्चर हवाले से, हजामा के हवाले से, तो उसमें आपको कुछ थोड़ा सा नॉलेज है? तो सर, ऐसा है कि कोई भी फील्ड जब इमर्ज हो रही होती है तो यही इश्यूज कभी किसी ज़माने में नर्सिंग को भी थे, यही इश्यूज किसी ज़माने में हमारे फिजिशियन हजरात को भी थे, तो ये बेसिकली इमर्जिंग साइंसिस में ये फील्ड आती हैं जो कि न्यूली एड हुई हैं। तो जो भी फील्ड इमर्ज हो रही होती है उसको शुरू में इट इज़ अ डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें ये है कि थोड़े इश्यूज शुरू में आते हैं, लेकिन ये कि कुछ इश्यूज तो हर जो इश्यूज हैं वो तो हर फील्ड में ही है, तो वो जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व होते हुए टाइम तो लगेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हमने ग्रेजुएशन की थी तब ज़्यादा इश्यूज थे, अब जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो इश्यूज काफ़ी उनमें से तकरीबन 70-80% रिजॉल्व भी हो चुके हैं, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, फील्ड इसी तरह से बनती है, तो जो इश्यूज आ रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला जो है वो रिजॉल्व हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलरेज साहब, प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाहौर।
लाहौर यूनिवर्सिटियों के कॉलेजों के शहर में मौजूद है और यहाँ पे प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो कि जिसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से एफिलिएटेड है और आज यहाँ पर हमने उनके डायरेक्टर से उनके जो डिपार्टमेंट है उनके जो ऑनर है उनसे बात की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात की और इंशाल्लाह मज़ीद इसी तरह के इंफॉर्मेटिक वीडियोस आपको हम दिखाएंगे और देखते रहिएगा गिल पसंद टीवी और मज़ीद आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए।